हाय गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बादल आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा संदेशा लेकर आया हूँ। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से फाड़ू नोटिस आया है आज एडमिशन के रिगार्डिंग, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी, ठीक है। रोज रोज वीडियो डालता हूँ यार, सब्सक्राइब करो, वरना आप लोगों को ऐसे स्क्रॉल करते हुए आना पड़ता है, तो ऊपर से ना वो बेल आइकन जैसा कुछ होता है बट ब्लॉग पे, तो उस पर क्लिक आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ठीक है। एक बटन होता है लाल कलर का, उसको दबा लो, फिर एक घंटा जैसा दिखाई देगा उसको भी दबा देना, ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है, तो फिर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बादल आपके लिए क्या संदेशा लेकर आया है। तो बादल को मिला है संदेशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जैसे आप यहाँ पे ये वेबसाइट है TUS.ac.in, तो ये एडमिशन पोर्टल तो दिख रहा है, इस पर अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा एडमिशन पेज पे। तो आप देख सकते हैं एडमिशन के लिए रिगार्डिंग नोटिस आ चुके हैं आज, ठीक है। आज ही आए हैं, फाड़ू नोटिस आए हैं। टेंटेटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया UGPG सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये सीट मैट्रिक्स आई है, इसके अंदर PWD भी शामिल है, और ये नोटिस पहले से आ रखा है, और ये एडमिशन के रूल है, और इसमें ये भी दिया गया है कि आप UGPG के जो भी हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी किया था पिछले साल, और मैं एक साल एक दस दो दिन लेट हो गया, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने मुझे मेरी फीस नहीं लौटाई 66,000, वो जो कि अभी वहीं पर पड़ी है, बेचारा गरीब आदमी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को फीस लौटानी चाहिए थी ना, लौटा ही नहीं, क्या कर सकते हैं। मैंने कॉन्टेक्ट भी किया, मैंने कहा जेल में डाल दूंगा, फिर भी कहा कुछ भी कर लो, आपको टाइम खराब कर दी। तो आपको बस मैं ये बताना चाहूँगा कि जस्ट अगर आपको एडमिशन वगैरह कैंसिल कराना हो तो टाइम कराइएगा, वरना आपकी फीस भी जा सकती है। जैसे मेरी गई, मेरी 66,000 फीस जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर रख ली। वैसे IIM IIT विद IIT पटना ड्रॉप आउट, ओके। एट प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला पंजाब इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ओके। यू कैन गेट एडमिशन इन पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला पंजाब इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग डायरेक्ट 12th बेसिस। तो जैसे सीट मैट्रिक्स आया है ये, वो तो पहले हम देख लेते हैं नोटिस क्या आया है, ओके। तो नोटिस के रिगार्डिंग, तो गाइस ये जो है फाड़ू नोटिस आया है, इसके अंदर लिखा गया है कि BVOC जो इसका कोर्सेज होता है रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, तो इसके अंदर जो है 12 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो ST/ST कैटेगरी OBC वगैरह होते हैं उनके 5% रिलैक्सेशन है, यानी 45 और 63 सीटें हैं इसके अंदर, ठीक है। वैसे BVOC और LLB 3 ईयर प्रोफेशनल कोर्स, तो ये जो है लिंक वगैरह मैं सब कुछ दे दूंगा, आप ध्यान से धीरे धीरे पढ़िएगा जब तक एग्जाम नहीं होता, और खूब पढ़िएगा और बहुत ही कम मजा करिएगा, ठीक है, खूब पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को, ओके। तो ये जस्ट लाइक PDF पूरा ही जारी किया है, क्या रखा नहीं है उन लोगों ने कुछ भी, और जस्ट लाइक जैसे MTEC है एनर्जी सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू बी फाइनलिस्ट, सिविल टू बी फाइनलिस्ट, तो भी फाइनलिस्ट, ये डबल ट्रिपल स्टार का क्या मतलब है, ये जरा यहाँ पर लिखा है। एडमिशन इन MTEC एंड BSc ऑनर्स प्रोग्राम विल नॉट बी ऑफर्ड थ्रू CUET 2021 स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एडमिशन थ्रू गेट कॉर्पोरेट स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोटी। अगर आपको इस ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आपको उनके पास अपना गेट का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और ये आप वेरीफाई करेंगे कि आपके गेट में अच्छे मार्क्स हैं, तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको एडमिशन दे देंगे, ठीक है। तो जिनको भी इन तीन जो भी कोर्सेस है इसके अंदर लेना हो तो अपना गेट सर्टिफिकेट लेकर जाए, या इनको मेल वगैरह जो भी है कॉन्टेक्ट करें इनसे, ओके। और तो हम मुझे इनकी चीज़ें वगैरह देख लेते, तो यहाँ पे जो है कोर्सेस से हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जैसे हम कंप्यूटर साइंस देखते हैं तो उसके लिए आपको कौन से पक्ष से कॉन्टेक्ट करना है वो देखते हैं, वहाँ लिखा है आगे बहुत कमजोर हो गए ना, ये देखो मिल गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये मेम है डॉक्टर सूरज आर्या, और ये डॉक्टर विशाल प्रासादिया,
आप जो है इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो आपको जो है इजीली हो जाएगा आपका काम। ओके, तो ये जो है शीट मैट्रिक्स जारी किया है लोगों ने, ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे हम वैसे आजकल ट्रेंडिंग में जो कोर्स चल रहा है वो कंप्यूटर साइंस नहीं है, एरोस्पेस है। ठीक है, एरोस्पेस में जा रहे सभी लोग, तो यहाँ पे एरोस्पेस नहीं, वो PSSC पटियाला में, वो भी गवर्नमेंट है। ठीक है, इसरो, DRDO, पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या बहुत है, 25 सीटें ऐसी कैटेगरी की, 11 सीटें हैं सिर्फ, रिजर्व 6 सीटें हैं, OBC की 20 सीटें हैं, अनरिजर्व 30 सीटें हैं, EWS की 8 है और PWD की 4 है। ठीक है, सो एरोस्पेस कंप्यूटर साइंस का पढ़ सकते हो आप। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर ही है। इन्हें पता है कि सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस में लेंगे एडमिशन, तो प्राइवेट वाले तो इजीली हमेशा यही करते हैं कि जस्ट लाइक सिविल और इलेक्ट्रिकल से सीटें कटा के जस्ट कंप्यूटर साइंस में कर देते हैं 250, और सिविल वगैरह जो भी होती है उसके अंदर कर देते हैं 60-70 सीटें, इससे उनकी जो है वो कोर्स उनके वो बढ़ते हैं। तो एरोस्पेस की ओर बढ़िए, सोच कीजिए पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को और ODS सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भी NTA एग्जाम होता है उसको दिखा दीजिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एग्जाम को खूब अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, NTA कंडक्ट करवा रही है, सूत्रों के मुताबिक पता चला है, अभी एक एक पक्षी ने खबर देता है, सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है NTA CUET का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है इस बार। ठीक है, ऑलमोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम NTA कंडक्ट कराएगी, तो खूब पढ़िएगा, बहुत ही कब्जा करिएगा। ओके, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।